जेके न्यूज़ टुडे में आप सभी का स्वागत है। आज यानी 5 सितंबर को पूरे देश भर में टीचर्स डे मनाया जाता है और इसी के चलते आज जम्मू के कन्वेंशन सेंटर में स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट द्वारा एक प्रोग्राम आयोजित किया गया। इस प्रोग्राम के मुख्य अतिथि थे जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट एंड हायर एजुकेशन प्रिंसिपल सेक्रेटरी आलोक कुमार और उनके साथ साथ अन्य लोग भी थे। इस प्रोग्राम के दौरान आज कई सारी बातें हुई, जैसे कि आज 700 से ज़्यादा स्कूल जो नए बन रहे हैं जम्मू कश्मीर में उनके बारे में बात हुई, जिसकी लागत 132 करोड़ की है। 376 एस्ट्रोफिज़िक्स लैब पूरे जम्मू कश्मीर में बन रही हैं और जिसकी लागत 15 करोड़ रुपए है। वर्चुअल रियलिटी लैब्स जम्मू कश्मीर में 10 स्कूलों में शुरू की जाएगी, जिसकी लागत 2 करोड़ है। और इसके साथ साथ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो नई आई है अभी, उसकी इम्प्लीमेंटेशन की भी बातें हुई। तो आइए इस प्रोग्राम की कुछ झलकियां देखते हैं। आज मैं सभी टीचर्स से एक और आग्रह करना चाहूंगा, टेक्नोलॉजी में आज इतनी तेजी से बदलाव हो रहा है कि हम फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। फ्यूचर वर्कफोर्स कैसी होगी इसकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते हैं। उसकी भविष्यवाणी करने का तो जोखिम आज कोई नहीं उठा सकता है। मैं 20वीं सदी के शुरुआत की दो भविष्यवाणियों के बारे में आपसे चर्चा करूंगा। पहली भविष्यवाणी एक सिक्योरिटी रिसर्च फर्म ने की थी, 2020 तक समाज में बेहतर ट्रेनिंग लेकर एनिमल आदमी की जगह काम करेंगे और शायद गाड़ी चलाने के लिए ट्रेन गोरिल्ला भर्ती किए जाएंगे। दूसरी भविष्यवाणी मिशिगन सेविंग बैंक के एक मैनेजर ने की थी और उसने अपने कस्टमर को चेतावनी दी थी कि हेनरी फोर्ड के रिसर्च में पैसा मत लगाना, क्योंकि आने वाले भविष्य में कोई भी व्यक्ति कार जैसी चीज नहीं बना पाएगा और 100 साल बाद हमें घोड़े की ही सवारी करनी होगी। ये दोनों भविष्यवाणियाँ गलत साबित हुई। इसलिए आपने देखा होगा कि अब बदलते समय के साथ प्रेडिक्शन की बजाय हर एक सेक्टर में, चाहे वो बिजनेस हो, एग्रीकल्चर हो, वहाँ एक टर्म इस्तेमाल किया जा रहा है, फ्यूचर प्रूफिंग। और उसमें आप सिर्फ प्रेडिक्शन नहीं करते बल्कि परिवर्तन को एंटिसिपेट करके एक ऐसी व्यवस्था विकसित करने का प्रयास करते हैं जो बदलाव के प्रभाव को कम कर सके और समाज आसानी से उसके साथ आत्मसात हो सके, एडजस्ट हो सके। मैं मानता हूँ अब स्कूल को भी इस टर्म को अपनाना होगा, फ्यूचर प्रूफिंग से। मेरा आशय यह है कि स्टूडेंट को लाइफ लॉन्ग लर्निंग स्किल यानी बेसिक नॉलेज तथा अप्लाइड स्किल के मिले जुले स्वरूप को सीखने के लिए प्रोत्साहित हमें करना होगा। आज स्टूडेंट्स के पास जितनी इंफॉर्मेशन है, नए टूल्स के बारे में जितनी जानकारी है, शायद वह कुछ केसेस में हमारे पास भी नहीं है, कई टीचर्स के पास भी नहीं होगी। टीचर्स नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मोबाइल ऐप के बारे में उतना नहीं जानते होंगे जितना विद्यार्थी जान रहा है। इसलिए अब टीचर्स को ये सोचना है, मुझे क्लासरूम में टीचिंग करनी है या उसकी मेंटरिंग करनी है, ताकि बेसिक नॉलेज के साथ अप्लाइड स्किल्स जैसे क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, लीडरशिप, क्रिएटिविटी, इनोवेशन, कम्युनिकेशन, कोलेबरेशन और लाइफ स्किल्स जैसी फ्लेक्सिबिलिटी, अडॉप्टिबिलिटी, प्रोडक्टिविटी और क्वालिटीज ये स्टूडेंट्स में विकसित हो सकें। हमें बच्चों के भीतर इंफॉर्मेशन नहीं डालनी है बल्कि उनके भीतर जो अनगढ़ डायमंड मौजूद है उसे तराश कर बाहर निकालना है।